बात कर रहे हैं पीएफआई की, किस तरह से ये संगठन जो कि बैन नहीं है, जिस पर प्रतिबंध नहीं है, और लेकिन इसके बावजूद इसके सदस्य जगह जगह पकड़े जा रहे हैं अपने नापाक मंसूबों को लेकर। ये उत्तर प्रदेश में भी दाखिल हुए थे लेकिन पुलिस ने इनको धर दबोचा। जी हाँ, पीएफआई कितने विवादों में रहा है और यूपी से इसके तार कैसे जुड़े हैं, अब ये भी आपको बता दें, पिछले दिनों मथुरा से पीएफआई का ऑफिस सेक्रेटरी सिद्दीकी कप्पन गिरफ्तार हुआ था। केरल का रहने वाला कप्पन जामिया का छात्र रह चुका है। लखनऊ में पीएफआई यूपी का प्रेसिडेंट नसीम अहमद गिरफ्तार हुआ। बाराबंकी के पीएफआई सदस्य मुदस्सिर की जानकारी मिली। मुदस्सिर दिल्ली के NTCAA NRC प्रोटेस्ट में भी सक्रिय था। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, लखनऊ में पीएफआई सदस्य सक्रिय है। सीतापुर, बाराबंकी, गाजियाबाद, बहराइच में पीएफआई सदस्य सक्रिय है। गोंडा और कानपुर में भी पीएफआई के सदस्य सक्रिय हैं। और आपको ये भी बता दें कि NTCAA NRC प्रदर्शन में हिंसा के बाद कार्रवाई में पीएफआई के 123 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। कानपुर में पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए। पीएफआई सदस्यों को बांग्लादेश से फंडिंग की जा रही थी। बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों ने यह जानकारी साझा की। पंजाब, राजस्थान में RSS के पदाधिकारियों पर हमले हुए। इन हमलों के पीछे पीएफआई के सदस्यों की भूमिका पाई गई। पीएफआई की छात्र इकाई CFI की पड़ताल भी शुरू की गई और यूपी पुलिस, STF, ED, IB, ATS, NIA जांच में जुटी है।